लेट आहा नहीं कराया यार काले। अच्छा का अरे कल लेट हो गया यार, मैं बरखा लगी भी यार फंसी गया, मैं ताई तो फंसी गया मैं। चल कुछ नहीं बहना था, चल भैया साहिल जी हमारे। अरे ब्लॉग तो यही स्टार्ट हो गया, इधर तो पता ही लगा कुछ ज्यादा पहाड़ी बोल रहे हम कुछ। आज हमारे सिट्टू द राइडर और साहिल जी आ गए हैं। वो भाई दड़ांदा बड़ी भरी यार भाई। अबे हम जा रहे हैं मतलब कि थोड़ा सा बैंक का काम है इसका, बाकी यार मजे भी करने थे, बट तुम्हारे भाई का क्लास का टाइम थोड़ा सर ने गड़बड़ कर दिया हुआ है, शाम के टाइम रखती हुई है वो क्लास 2 बजे से। यार आपको एक बात बताओ, केटी वालों ने कॉल की मुझे जो कांगड़ा वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मतलब गाइस सीधी है वकी, उन्होंने कॉल की मुझे बोलते कि सर आपकी बाइक ठीक चल रही है, आपने सर्विस करवाई थी 2-3 दिन पहले। मैं कहा हाँ जी मैंने वो करवाया था, मैं कहा बड़ी चल रही बाइक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बोलते ठीक है सर आपको लिंक आया होगा फीडबैक दे दो। मैं कहा ठीक है। फिर वो जो अश्वनी है ठीक है, जो अश्वनी है ठीक है सर्विस के इंचार्ज है सर्विस स्टेशन के, उन्होंने बात करी मेरे से, बोला आप वही है ना जिनके पास RC 125 और स्पार्क प्लग खराब हो गया था। मैं कहा हाँ जी। बोला आपने 10-स्टार रेटिंग देना। मैं कहा ठीक है सर। बोला एक भी स्टार कम मत देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने चेक करनी और आपको कॉल करनी है, मेरे को 10-स्टार रेटिंग चाहिए। मैंने कहा जरूर सर आपको 10-स्टार दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने KTK ऐप डाउनलोड करा, इंस्टॉल नहीं करा था क्योंकि डिलीट हो गया था, मैंने रीसेट मारा था अपने फ़ोन को तो डिलीट हो गया था। मैंने डाउनलोड करा, फिर वहाँ पे मैंने उनको 10-स्टार रेटिंग दी। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि मैंने कहा सर लेबर आ गया है मतलब RC का। बोला हाँ एक ही आया। बोला आपका ही था वो ऑर्डर करो वो ना, तो कब जैसे आ रहे हो आप डलवाने। मैं कहा सर मैं आज आ रहा हूँ 12-1 बजे तक आ जाऊँगा। बोला ठीक है तो आ जाओ। और बाकी इसने थोड़ा सा अपनी बाइक दिखानी है, मतलब इसने 2 स्क्रूज लेने हैं, स्क्रू परचेज करने हैं आगे के, जो विंडशील्ड होती है ड्यूक 125 की छोटी सी जो स्टॉक विंडशील्ड होती है वो मतलब इसने पहले दूसरी लगाई थी तो उसके फेंक आया ना कहीं पे, जहाँ पे इसने चेंज करवाई थी वो विंडशील्ड वहीं पे छोड़ा है, तो अभी वो लग नहीं रहे हैं जो बड़े स्क्रू हैं, अभी न्यू स्क्रू लगवाने, तो इसलिए वो ये भी जा रहा है वहाँ पे, मैं भी जा रहा हूँ। और बाकी सर्विस करवाने थे तुम्हारा भाई जा रहा है पठानकोट, उसका ब्लॉग आप नेक्स्ट देखोगे ठीक है। और भाई मैंने उनसे बात करी पठानकोट वालों से ना, मैंने सर्विस स्टेशन पर कॉल करी थी KTM को, मैंने कहा सर मैंने ऐसे ऐसे हिमाचल से आना और सर्विस करवानी है अपनी बाइक की तो हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 2 सेकंड रुक जा भाई मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी भाई हो जाएगी। फिर बोला वैसे कौन सी बाइक आपकी, मैं कहा KTM RC 125। कोई दिक्कत नहीं है सर आपकी बाइक हो जाएगी सर्विस। मैं कहा ठीक है मैं 2-3 दिन में आ रहा हूँ। बोला ओके सर आ जाओ। तो बस वहाँ पे जाएंगे आपको ब्लॉग दिखाएंगे वो मतलब पठानकोट का ठीक है, जा रहे हैं सर्विस करवाने, मैं और साहिल जाएंगे शायद एक ही बाइक पे, मेरी बाइक पे। भाई डोंट बनो हुआ भाई लड़का, ओए इसने अभी तक लूटने वाले शूज नहीं छोड़े है ना, अकेडमी के शूज अभी भी डाले इसने। तेरा क्या सीन बन रहा है उधर लूटने का, मेरा कल कहीं जाना यार मेरा ना। बाकी माहौल ठीक है उधर, तांतरा ही है मतलब मन लग रहा है तेरा उधर क्या क्या हूं बोला ना बंदा बोले भी टंगे दी नहीं ओदी बिंजो कसम आ रहा है क्या बंदा होगा रहा ठीक ना डोल अपना थला मिले थला अच्छा सह मिले ना साड़ा पता कौन दिया जेड़ा ऊपर लास्ट बिल्डिंग है ना कना ओ सब जगह जाए के लास्ट बिल्डिंग का लास्ट रूम हाँ जेड़े जिसे रोटी खवा देना कना तीसरे बिल्डिंग अच्छे सबसे लास्ट वाला रूम है हाँ सह रूम मिले हाँ जो ये देखो गाइस क्या बोला मोल दसना इसे तू बड़ा बिगड़े हो ये जागत बिगड़ी है मोहल्ला मोहल्ला दिखाने लगी पे। ये हमारे धर्मशाला स्मार्ट सिटी का पार्किंग लॉट है देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर है मतलब ऐसे क्या ही बताएं गाइस। यार आज कुछ ऐसे मन नहीं कर रहा घूमने तो जाना था, पर ये मेरी अकेडमी का जो टाइम टेबल चेंज हो गया ना तो उसके कारण घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि यार अगर अभी घूमने चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी शाम को क्लास में पहुंचने के लिए, और क्लास मिस कर दी तो भाई वैसे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वैसे लॉकडाउन वगैरह लगे थे। और आज का ब्लॉग गाइस मुझे नहीं पता कैसा बनेगा क्योंकि थोड़ा भाई तुम्हारा अकेडमी की वजह से उदास है। चल बैठ सिट्टू जल्दी
बंदी भी आई नहीं ऊपर इतनी। चल हाँ ऑर्डर कर देना ला। ऐसा मत बोल भाई। चल तो सही, तू क्या खिला रहा है? चल कर भाई ऑर्डर, तीन बर्गर कर ऑर्डर। तो भाई मेल्टेड चीज़ से हम जाके आ चुके हैं अभी, अंदर नहीं दिखाया आपको, ठीक है? अभी कैमरा लाउड था लेकिन हमने खुद ही नहीं। हाँ बचपन का प्यार नहीं, तूने लेट करवा दी यार, क्लास भी है मेरी। तो अभी हम सीधे KTM शोरूम जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कॉल की थी, आपको पता है तुम्हारे भाई ने ये डलवाना था, ठीक है? भाई मेरे को बोलने दो यार, मैं थोड़ा धर्मशाला मेरे साथ आना होगा तो आ जाना भाई। ओए साहिल धर्मशाला मेरे साथ आना है? नहीं आता ना, आ रहा ऊपर से जाना। वैसे तुमने फिर चल इन्नी तो चल तो चली जाना नी तो बस फिर। हाँ अभी हम जा रहे हैं KTM शोरूम, आपको पता है तो आपके भाई ने ये डलवाना, ठीक है? क्लच बार बार बोलने पड़ रहा है यार, ये बीच में मेरी बात काट दे रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए जा रहे हैं। और वैसे तो तुम्हारा भाई फिर जाएगा नहीं कहीं, मतलब KTM शोरूम जाएगा नहीं, ठीक है? उसके बाद इसके बाद और पालमपुर वाला ब्लॉग पता नहीं मैंने अपलोड करा या नहीं करा, मैं पालमपुर भी गया था सर्विस करवाने के लिए, आई थिंक करा होगा, कर ही दूंगा वैसे अपलोड ना करा होगा। तो आपने देखा होगा वो कि वहाँ पे KTM की सर्विस नहीं है, बाइक्स बिकती हैं वहाँ पे KTM की, बाइक्स आप वहाँ से भी खरीद सकते हो KTM को। मैंने एडवेंचरस वगैरह देखी हुई है वहाँ पे, ठीक है, सेल के लिए लगी हुई, लेकिन वहाँ पे जब सर्विस के लिए गए तो वही सर्विस नहीं थी वहाँ पे KTM की। और बाकी तुम्हारे भाई ने पठानकोट में भी पता कर लिया कॉल कर कुर के कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा सर हो जाएगी सर्विस, तो मज़ा आएगा भाई ये पठानकोट वाले लोग। और बाकी अब मैं सीधा आपको KTM शोरूम भी मिलता हूँ। गाइस बारिश लग पड़ी थी, देखो तुम्हारा भाई भीग गया, ठीक है? तो वहाँ का शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने GoPro डाल दिया था बैग में, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा GoPro भीग जाए। बाकी ये देखो क्लच लीवर डाल दिए हुआ है, ठीक है, RC125 का, और जो पुराने वाला वो मेरे बैग में, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये पुराने वाला है, ठीक है, बेंड हो गया था ऐसे करके लगा था ये यहाँ पे, ये पुराने वाला, और ये है हमारा नए वाला। तो चलो ये सब कुछ हो गया कि अभी सीधे घर जा रहे हैं। और ब्लॉग में यार मुझे नहीं पता यार आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि आज यार टाइमिंग की वजह से गेम हो गई हमारी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।